बिहार में बड़े घोटाले का खुलासा, खनन विभाग में करोड़ों का खेल, तो किसके हाथ लगे 355 करोड़। बिहार से अक्सर चौंकाने वाली खबरें सामने आती हैं, चाहे वो कीर्तिमान स्थापित करने की खबर हो, विधानसभा में मारपीट की खबर हो, या फिर किसी भी घोटाले की खबर हो। यहाँ खबर के अंदर कई खबरें छुपी रहती हैं। इस बार भी बिहार से एक हैरान करने वाली खबर सामने आई है। चर्चित चारा घोटाला के बाद अब एक और बड़े घोटाले का खुलासा हुआ है। इस बार खनन विभाग की लापरवाही से राज्य सरकार को 355 करोड़ का नुकसान हुआ है। बिहार में कैग की 2020-21 की रिपोर्ट में बड़ा खुलासा हुआ है। बिहार में चर्चित रहे चारा घोटाला की तरह बाइक, ऑटो, ई रिक्शा और कार को कथित तौर पर अलग अलग घाटों से बालू ले जाने के लिए परिवहन के रूप में इस्तेमाल किया गया, जिस वजह से बिहार सरकार को लगभग 355 करोड़ का नुकसान हुआ है। अब ये 355 करोड़ का नुकसान कैसे हुआ वो भी बताते हैं आपको। कैग की रिपोर्ट जारी करते हुए महालेखाकार रामावतार शर्मा ने बताया कि 2020 के लिए खनिज राजस्व प्राप्ति की बारीकी से जांच की गई, जिसमें सामने आया कि बिहार के 14 जिलों में बालू परिवहन के लिए जारी किए गए 2,43,811 ई चलान की जांच में लगभग 46,935 ई चलान फर्जी पाए गए। इसमें बाइक, ऑटो, स्कूटर, कार, एम्बुलेंस और ई रिक्शा से बालू का परिवहन किया गया है। कैग के मुताबिक बिहार सरकार के 16 वर्ग सर्कल में 33,191 ई चलान में से 21,192 ई चलान फर्जी पाए गए, यानी कुल 64% ई चलान फर्जी पाए गए हैं। महालेखाकार ने दावा किया कि बिहार के कई जिलों के खनन कार्यालयों में 230 करोड़ के 20,700 नीलामवाद के मामले लंबित पाए गए हैं। इन कार्यालयों की तरफ से करीब 95 करोड़ रुपए की राशि वसूली नहीं की गई है, और तो और जहां खनन की मनाही है वहां भी खनन करवा दिया गया है। कुल मिलाकर विभागों के बीच कोऑर्डिनेशन न होने के चलते करोड़ों का खेल हुआ है। वहीं इससे पहले अवैध बालू खनन परिवहन को लेकर नीतीश सरकार भी एक्शन में दिखी थी। सरकार ने कई बड़े अधिकारियों की छुट्टी की और कई अधिकारियों के खिलाफ केस भी दर्ज किया गया। वहीं इसके अलावा पुलिस ने भी कई जिलों में अभियान चलाकर बालू खनन से जुड़े मामलों में कार्रवाई की। राजधानी पटना के अलावा भोजपुर, सारण, भागलपुर, बांका में भी कई बड़े माफियाओं को न सिर्फ पकड़ा गया बल्कि भारी मात्रा में खनन किए गए, बालू भी बरामद किए गए। लेकिन इन सब के बीच कैग की रिपोर्ट में खनन विभाग की लापरवाही से सरकार को 355 करोड़ का चूना लगना हैरान करने वाली बात है। हालांकि मामला जांच का विषय है, बिहार सरकार जल्द मामले की जाँच करवा सकती है और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई कर सकती है। तो उधर दूसरी तरफ कैग की रिपोर्ट में बड़े घोटाले के खुलासे के बाद विपक्ष भी सरकार पर हमलावर हो गया है, और विपक्ष ये मुद्दा विधानसभा सत्र में उठा सकता है और सरकार को घेरने की कोशिश कर सकता है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।